नाइट टाइम में जो है उनका कहना है नाइट टाइम में भी क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, लेकिन नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हुआ था क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दिन में होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पर नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो सिंपली एरिका कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेट इन द गार्डन से, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन किस में हो रहा है गार्डन में हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, नो एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द गार्डन बिकॉज द फोटोसिंथेसिस ऑकर जब दिस एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द गार्डन। अब ऐसा होने की वजह से पीएच ऑफ द सेल क्या डिक्रीज टू 5, यानी पीएच क्या हो रहा है सेल से आपका गार्डन सेल से आपका पीएच क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अब ऐसा होने की वजह से क्या होगा, that is called as star sugar interconversion theory. इस theory में भी जो है mechanism of spermatic transpiration को क्या है briefly explain किया है, लेकिन इसके बाद की जो theory नहीं थी that is the most accepted theory that is potassium ion transport के लिए वो, ठीक है। तो ये जो दो theory में है इनका एक explanation दिया। तो एक बार और फिर से बता रहा हूँ, देखो आज हम जो theory की study कर रहे हैं with respect to स्टोमेटिक ट्रांसपोर्टेशन के मैकेनिज्म से, उसका नाम है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्शन के। स्टार्च का कन्वर्शन शुगर में होगा, शुगर का कन्वर्शन स्टार्च में होगा, इसलिए इसका नाम दिया है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्शन के। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, सेम कंडीशन, एक बेसिक कंडीशन और एक नाइट कंडीशन। ड्यूरिंग डे टाइम लाइट इज अवेलेबल, इसलिए अपन ने लिखा कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ लाइट, देयर इज एब्सेंस ऑफ लाइट, इसलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं देयर इज अ डार्क कंडीशन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, तो रिस्पिरेशन दोनों भी जगह होगा, डे में भी होगा नाइट में भी होगा। और रिस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होगा, CO2 इन्वॉल्व होगा या लिबरेटेड होगा। अब वो CO2 यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, CO2 यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा, क्यों यूटिलाइज हो रहा, किस प्रोसेस में यूटिलाइज हो रहा, फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि लाइट इज प्रेजेंट। अब यहाँ पर CO2 यूटिलाइज हो रहा है, इसलिए CO2 का एक्युमुलेशन हो रहा है गार्डन में, नहीं होगा। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, क्यों नहीं हो रहा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। अब इसलिए तो CO2 का एक्युमुलेशन गार्डन में होगा, क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं होगा, यहाँ पर मेरी जो एक्युमुलेशन ऑफ CO2 इन द गार्डन। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, ये डबल गार्डन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पर ये डबल सेल का और गार्डन सेल का डिक्रीज टू 5। अब अगर ये यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में एंजाइम सीक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या, स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम। वो स्टार्च फॉस्फोराइलेज एंजाइम क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है शुगर का, फ्रॉम स्टार्च। सो स्टार्च इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट शुगर, है ना, और फॉस्फेट को इसका कन्वर्शन करता है। इस सिचुएशन में जैसे क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, पीएच ऑफ द सेल का, पीएच ऑफ द सेल का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका सेल का पीएच ऑफ द सेल का कितना जा रहा है, 5 जा रहा है, 5 हो रहा है। अब ये होने की वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। तो हम देखो यहाँ पर हमको दो चीजें समझनी चाहिए, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ शुगर हो रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्च से शुगर फॉर्म हो रहा है और यहाँ पर स्टार्च ग्लूकोज से स्टार्च फॉर्म हो रहा है, ग्लूकोज टू स्टार्च, शुगर टू स्टार्च, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्च टू शुगर, यानी अपोजिट है। अब इन सिचुएशन के वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टोमेटा ओपन हो जा रहा है और यहाँ पर इन सिचुएशन के वजह से क्या हो रहा है, स्टोमेटा क्लोज हो जा रहा है। यदि स्टोमेटा ओपन हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, और यदि स्टोमेटा क्लोज होता है तो देयर इज नो ट्रांसपिरेशन। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द थ्योरी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के मैकेनिज्म पर ये थ्योरी है। इस पर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसा आपको पूछा जाएगा
कि डे टाइप और नाइट टाइप में दोनों भी जगह कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है क्या? आपका आंसर होना चाहिए यस, दिस इज लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ड्यूरिंग डे टाइम एज वेल एज ड्यूरिंग नाइट टाइम। फोटोसिंथेसिस दोनों भी जगह हो रहा है क्या? इसका आंसर होना चाहिए डे में फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्योंकि डे में लाइट अवेलेबल है, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं है। अब ब्रांच में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन नहीं हो रहा ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किस में यूज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, सो देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो देयर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो दैट इज व्हाई देयर इज एक्युमुलेशन ऑफ, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक्युमुलेशन हो रहा है इस प्रकार से। अब आईसी सिचुएशन में जैसे पीएच जो आपको लार्ज पर ड्यूरिंग डे टाइम कितना रहता है, इंक्रीज रेशियो कितना हो सकता है, 7 हो सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन वाला रेशियो कितना होता है, 5 होता है। अब अगर 60 हुआ पी एच कार्बन डाइ तो वहाँ पर इस 60 शुगर इंटर कन्वर्शन के लिए एंजाइम सीक्रेट होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, स्टार्च फॉस्फोराइलेशन। तो वो स्टार्च फॉस्फोराइलेशन का क्या रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, उसी शुगर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रॉम दिस स्टेट स्टार्च एंड फॉस्फेट। अब ऐसा होने की वजह से क्या आएगा, स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम। अब स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम मतलब क्या, ट्रांसपिरेशन ऑफर ड्यूरिंग डे टाइम। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर पीएच ऑफ द लार्ज कितना हो गया, पीएच ऑफ द लार्ज से डिक्रीजेस टू पॉइंट 5 हो गया। अब ऐसे इसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च बन रहा, वहाँ पर क्या बना, स्टार्च से फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अपोजिट है, कि हर प्लांट में सेम मैकेनिज्म नहीं हो सकता। कोई कोई प्लांट जैसा हम कैसे मेटाबॉलिक मार्केट में देखते हैं, है ना, ड्यूरिंग नाइट टाइम ओपन ड्यूरिंग नाइट टाइम, है ना, यहाँ पर अलग है, मतलब वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि टोमेटा नाइट में ओपन हो रहा, डे में ओपन हो रहा, डे में हो रहा कि नाइट में हो रहा, रेस्पिरेशन का हो रहा है, रेस्पिरेशन इज अ कॉमन बट सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है, फोटोसिंथेसिस का, मतलब जो गार्डन में क्लोरोप्लास्ट है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है नहीं करता, इस पर टोमेटल का ओपनिंग और टोमेटल का क्लोजिंग डिपेंड है, और टोमेटल के ओपनिंग और क्लोजिंग पर डिपेंड है रेस्पिरेशन होगा या नहीं होगा। सो दिस इज अ ब्रिज थ्योरी एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड ब्रिज थ्योरी ऑफ क्या बोल रहे हैं, स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्शन थ्योरी फॉर द मैकेनिज्म ऑफ टोमेटल।